हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं Redmi Note 11 वर्सेस Redmi Note 10 का डिटेल में कंपैरिजन एंड स्पीड टेस्ट, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल है कि यार लेटेस्ट Redmi Note 11 को परचेस करना चाहिए या फिर हमारा जो Redmi Note 10 उसमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में कंपैरिजन करने वाले Redmi Note 11 वर्सेस Redmi Note 10 का, स्पीड टेस्ट करने वाले, उसके बाद देखेंगे रैम मैनेजमेंट भी चेक करने वाले एंड स्पेक वाइज देखेंगे आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, Redmi Note 11 एंड Redmi Note 10 दोनों देखेंगे यहाँ पे सेम स्पेसिफिकेशन एंड सेम परफॉर्मेंस के कैटेगरी में आते हैं एंड प्राइस भी देखेंगे दोनों फोन के, देखेंगे अराउंड सेम कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे तो इस फोन को जो बैक है आपको पॉलीकार्बोनेट का ही मिल जाता है, बट Redmi Note 11 का जो डिजाइन है एंड बैक है थोड़ा सा आपको बेटर मिल जाता है एज कम्पेयर टू Redmi Note 10। डिस्प्ले भी दोनों स्मार्टफोन का सेम टू सेम है, 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले AMOLED पैनल के साथ 1000 nits ब्राइटनेस आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाता है। बट दोस्तों, Redmi Note 11 में देखेंगे आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जिसके वजह से Redmi Note 11 का जो डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको स्मूथनेस थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी एंड डिस्प्ले क्वालिटी उसके बाद जो कलर्स है दोनों स्मार्टफोन में देखेंगे सेम टू सेम निकल के आ जाता है, क्योंकि दोनों में आपको सेम AMOLED पैनल मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको जो साइड पैनल है, तो साइड पैनल में देखेंगे दोनों ही फोन्स में आपको पावर बटन प्लस साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट मिल जाता है, उसके बाद आपको वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाते हैं। बट दोस्तों, Redmi Note 11 के जो साइड पैनल से आपको फ्लैट एजेस मिल जाता है, मतलब कि बॉक्स टाइप डिजाइन मिल जाता है, जिसके वजह से Redmi Note 11 थोड़ा सा प्रीमियम आपको लुक देता है। इसके बाद दोस्तों लेफ्ट साइड में देखेंगे तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको यहाँ पे ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है। इसके बाद बॉटम साइड में देखें आपको Redmi Note 11 में यहाँ पे प्राइमरी स्पीकर है, चार्जिंग पोर्ट है एंड प्राइमरी माइक्रोफोन है। Redmi Note 10 में देखें आपको जो 3.5mm ऑडियो जैक है वो आपको बॉटम के साइड मिल जाता है, बट Redmi Note 11 का जो 3.5mm का ऑडियो जैक है आपको टॉप साइड में मिल जाता है। बाकी चीजें देखेंगे सेम टू सेम ही, जैसे कि एयर ब्लास्टर सेंसर है, सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक एंड सेकेंडरी स्टीरियो स्पीकर, तो दोनों फोन में देखेंगे आपको पोर्ट एंड आउटपुट सेम टू सेम मिल जाता है। कैमरे के बारे में बात करेंगे तो दोनों फोन का जो कैमरा है सेम टू सेम है, बट Redmi Note 10 का जो कैमरा है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है एंड Redmi Note 11 का जो कैमरा है आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिल जाता है। सेल्फी कैमरे के बारे में बात करेंगे तो दोनों फोन का जो सेल्फी है सेम टू सेम है, 13 मेगापिक्सल का सुपर सेल्फी है। चलिए, बहुत हो गया फिजिकल ओवरव्यू का कंपैरिजन, अब यहाँ पे चेक करेंगे स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, कौन सा फोन देखेंगे परफॉर्मेंस एंड रैम मैनेजमेंट के मामले में सबसे बेटर है। तो चलिए स्पीड टेस्ट कंपैरिजन में सबसे पहला टेस्ट करेंगे यहाँ पे रिबूट टेस्ट, कौन सा फोन यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे रिबूट हो जाता है। सो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। सो आपके लिए मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो सबसे पहले जो लोगो है Redmi Note 11 डिवाइस में देखेंगे ओपन हो चुका है, उसके बाद Redmi Note 10 में आ चुका है, बट देखेंगे एक्चुअल में कौन सा फोन सबसे पहले यहाँ पे रिबूट हो जाता है। तो सबसे पहले Redmi Note 11 डिवाइस देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है एंड अभी तक Redmi Note 10 देखेंगे स्टार्ट भी नहीं हो चुका। एंड दोस्तों, Redmi की तरफ से काफ़ी सारे अपडेट्स आपको मिले हैं, जिसके वजह से Redmi Note 10 डिवाइस थोड़ा सा धीमा हो चुका है। सो Redmi Note 10 यार काफ़ी यहाँ पे टाइम ले रहा है स्टार्ट होने में। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करके देखेंगे कौन से फ़ोन में सेटिंग एप्लीकेशन सबसे पहले ओपन हो जाता है। तो फिलहाल के लिए देखेंगे Redmi Note 10 का सेटिंग एप्लीकेशन सबसे पहले ओपन हो चुका है, फिर से हम ट्राई करेंगे सेटिंग एप्लीकेशन तो सबसे पहले कौन ओपन करेगा। तो यहाँ पे Redmi Note 11 का जो सेटिंग्स है सबसे पहले ओपन हो चुका है। तो चलिए, सेटिंग्स ओपन करने में दोनों स्मार्टफोन देखेंगे ठीक ठाक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग एंड वीडियो एक्सपोर्टिंग स्पीड के बारे में, तो दोनों फोन में देखेंगे मैंने काइनमास्टर सेम वर्जन का काइनमास्टर एंड वीडियो का भी लेन देखेंगे सेम टू सेम है, साइज भी सेम टू सेम है एंड दोनों फोन में देखेंगे हम यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्टिंग के लिए लगाएंगे तो आउटपुट देखेंगे मैं दोनों फोन में देखेंगे सेम रेजोल्यूशन सेट कर लेता हूँ, जैसे कि इसमें भी देखेंगे HD प्लस है एंड इसमें भी देखेंगे HD प्लस है, तो दोनों को एक साथ यहाँ पे एक्सपोर्टिंग के लिए लगाएंगे तो देखेंगे कि कौन सा फोन सबसे पहले यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो एक्सपोर्ट करता है। तो वीडियो एक्सपोर्टिंग के स्पीड में देखेंगे Redmi Note 11 थोड़ा सा आगे है एंड सबसे बेटर मुझे लगता है तो Redmi Note 11 यहाँ पे फटाफट से वीडियो एक्सपोर्ट कर रहा है एंड सबसे पहले Redmi Note 11 का यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है एंड उसके बाद Redmi Note 10 ने यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट किया है। चलिए दोस्तों, इसके बाद दोनों फोन में एप्लीकेशन ओपनिंग स्पीड देखेंगे, वैसे दोनों फोन में देखेंगे सेम टू सेम इंटरनेट कनेक्शन है, तो एप्लीकेशन ओपनिंग में देखेंगे सबसे पहले हम ट्राई करेंगे गैलरी एप्लीकेशन को, तो Redmi Note 11 में देखेंगे सबसे पहले गैलरी एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, फिर से हम ट्राई करेंगे तो फिर से भी देखेंगे यहाँ पे सेम टू सेम आपको स्पीड मिल जाता है।
अगर हम चेक करके देखेंगे गैलरी एप्लीकेशन सेम कंडीशन पे सेम फोन में देखेंगे ओपन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम सबसे पहले यहाँ पे रेडमी नोट 11 का ओपन हो चुका है एंड फिर से हम ट्राई करेंगे तो क्लोज करेंगे एंड फिर से ट्राई करेंगे तो अगेन यहाँ पे इंस्टाग्राम रेडमी नोट 11 का सबसे पहले ओपन हो चुका है। इसके बाद फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करके देखेंगे तो फेसबुक एप्लीकेशन रेडमी नोट 11 में सबसे पहले ओपन हो चुका है एंड इसके बाद दोस्तों ट्राई करेंगे ट्विटर एप्लीकेशन। तो ट्विटर एप्लीकेशन भी देखेंगे यहाँ पे अगेन रेडमी नोट एंड दोनों स्मार्टफोन में देखेंगे वैसे सेम टू सेम सेम कंडीशन पे ओपन हो चुका है, सेम कंडीशन पे सेम फोन पे यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करके देखेंगे तो सबसे पहले रेडमी नोट 11 में यहाँ पे थीम स्टोर ओपन हो चुका है। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार को ओपन करके देखेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार दोनों फोन देखेंगे यहाँ पे टाइम ले रहा है बट रेडमी नोट 11 में देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे प्रीलोड हो चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। इसके बाद दोस्तों शॉपिंग एप्लीकेशन ट्राई करके देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लिपकार्ट ओपन करके देखेंगे तो रेडमी नोट 11 का फ्लिपकार्ट सबसे पहले ओपन हो चुका है बट रेडमी नोट 10 का अभी तक यहाँ पे लोड भी नहीं हो चुका। उसके बाद यहाँ पे अमेजोन को ट्राई करके देखेंगे तो अगेन यहाँ पे रेडमी नोट 11 का जो अमेजोन है सबसे पहले ओपन हो चुका है। मुझे लगता है कि रेडमी नोट 10 में यार अपडेट मिलने के बाद ये फोन पूरा धीमा हो चुका है, काफी स्लो हो चुका है एंड काफी लेट यहाँ पे प्रीलोड कर रहा है। चलिए इसके बाद एक ब्राउजर ओपन करके देखेंगे तो क्रोम ब्राउजर ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे अगेन रेडमी नोट 11 में सबसे पहले यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन हो चुका है। इसके बाद यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करके देखेंगे तो अगेन यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन सबसे पहले रेडमी नोट 11 में यहाँ पे सबसे पहले ओपन हो चुका है। रेडमी नोट 10 में देखेंगे अभी भी यहाँ पे प्रीलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसके बाद प्ले स्टोर ओपन करके देखेंगे तो अगेन रेडमी नोट 11 में सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों एक छोटा सा गेम हम यहाँ पे लॉन्च करके देखेंगे तो सेम टू सेम गेम यहाँ पे लॉन्च करके देखेंगे तो कौन सा फोन सबसे पहले गेम को लोड करता है ये हम देखने वाले तो लोगो देखेंगे दोनों फोन में सेम कंडीशन पे ओपन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों गेम ओपनिंग के बारे में बात करेंगे तो रेडमी नोट 10 सबसे आगे है एंड यहाँ पे रेडमी नोट 10 ने सबसे पहले गेम को लॉन्च किया है तो रेडमी नोट 10 कम से कम गेमिंग के मामले में थोड़ा सा आगे यहाँ पे लॉन्च करने में आगे चला गया है। वैसे दोस्तों अभी तक देखेंगे 10 में से काफी ज्यादा नंबर यहाँ पे रेडमी नोट 11 को मिल चुका है क्योंकि स्टार्ट टू एंड तक देखेंगे सबसे अच्छा रिजल्ट रेडमी नोट 11 में देखने को मिल चुका है। बट दोस्तों हम यहाँ पे देखने वाले रैम मैनेजमेंट दोनों फोन में कैसा आपको रैम मैनेजमेंट मिल जाता है तो दोनों फोन में देखेंगे जितने सारे एप्लीकेशन है सारे सारे एप्लीकेशन हम यहाँ पे क्या करने वाले ओपन करके रखने वाले हैं एंड कुछ एप्लीकेशन में देखेंगे मैं आपका जो खुद का प्रोफाइल पेज है खुद का एक प्रोफाइल पेज भी ओपन करके रखने वाला हूँ एंड फ्लिपकार्ट हो गया अमेजन हो गया उसमें देखेंगे एक एप्लीकेशन ओपन करके रखूंगा एंड बाद में देखेंगे मल्टीपल एप्लीकेशन लोड होने के बाद कौन सा फोन आपको वही का वही पेज ओपन करके देगा एंड कौन सा फोन यहाँ पे रैम मैनेजमेंट में बेटर रहने वाला है तो हम वन बाय वन चेक करने वाले हैं। तो चलिए सेटअप हो चुका है अब हम यहाँ पे देखने वाले कि कौन सा फोन आपको रैम मैनेजमेंट ठीक ठाक देने वाला है। रेडमी नोट 10 आगे आ चुका है उसके बाद देखेंगे इंस्टाग्राम दोनों फोन में सेम कंडीशन पे ओपन हो चुका है। फेसबुक ट्राई करेंगे तो सेम टू सेम रिजल्ट है। उसके बाद हम ट्राई करने वाले हैं ट्विटर अगेन यहाँ पे देखेंगे रेडमी नोट 10 थोड़ा सा लिटिल बिट आगे गया है। उसके बाद थीम स्टोर रेडमी नोट 10 थोड़ा सा आगे गया है। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार दोनों फोन में सेम कंडीशन पे देखेंगे प्रीलोड होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है। फ्लिपकार्ट देखेंगे तो सेम कंडीशन है। उसके बाद अमेजोन ट्राई करेंगे तो सबसे पहले रेडमी नोट 10 का आ गया था। उसके बाद क्रोम ब्राउजर सेम रिजल्ट है ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई करने वाले यूट्यूब क्योंकि यूट्यूब में मैंने अपना खुद का चैनल ओपन करके रखा था तो दोनों फोन में देखेंगे थोड़ा सा प्रीलोड होने में टाइम गया था। उसके बाद प्ले स्टोर देखेंगे सबसे पहले रेडमी नोट 10 का हो गया था एंड इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों यहाँ पे रैम मैनेजमेंट दोनों फोन का ठीक ठाक है एंड दोस्तों कंपैरिजन में मुझे रेडमी नोट 11 थोड़ा सा बेटर लगा है क्योंकि दोस्तों ज़्यादा रिजल्ट्स देखेंगे एंड ज़्यादा मार्क्स देखेंगे रेडमी नोट 11 के पास है। तो लुक वाइज स्पेक्स वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज रेडमी नोट 11 थोड़ा सा आगे जाता है। सो अगर आपको रेडमी नोट 11 परचेस करना है तो रेडमी नोट 11 को परचेस कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ऑफर चल रहा है सो ऑफर्स में अगर आपको परचेस करें तो ऑफर्स में इसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर।